पता है कि मेरे को कौन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं YouTube चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में, बाहर लोगों को मिलता हूं तो, मैंने कौन सा फोन खरीदना चाहिए, 5000 के नीचे कौन सा है, 10000 के नीचे कौन सा है, मेरा बजट 20000 है, मैं कौन सा खरीदूंगा। ऐसे सवाल मुझको दिन में कम से कम 25-30 बार आते हैं और मैं एक ही बात कहता हूं कि आप ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि यार 20000 में फोन कौन सा अच्छा है। वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एक स्मार्टफोन में। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्मार्टफोन आपने कैसे खरीदना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, इधर मैं कार्ड में दिखा रहा हूं आपको, वो जरूर आप वीडियो देखिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि 20000 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा है, 5 ऐसे स्मार्टफोन जो सबसे अच्छे हैं अगर आपका बजट 20000 रुपए। अब तो दिवाली आ गई है, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि आपको सब नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिल जाएंगे। तो ये जो 20000 की रेंज है वो एग्जैक्ट मिड लेवल है, या तो लो कॉस्ट फोन्स नहीं है या फिर टोटली ऊपर के जो होते हैं 35-40000 के, वैसे भी नहीं है। ये 20000 की जो रेंज है उसमें आपको कुछ कुछ फीचर्स मिलेंगे हाई एंड फोन्स के और कुछ कुछ फीचर्स मिलेंगे लो एंड फोन्स के। तो इनमें से कौन से 5 है, सबसे पहले मैं आपको बोलूं मोटो जी। जी हाँ, अब वो 19999 में मिल रहा है अमेजोन के ऊपर, डिस्काउंट पे चल रहा है, उसकी प्राइस एक्चुअली 30-35000 के ऊपर थी लेकिन अब 20000 में ये फोन मिल रहा है। और ये फोन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें है 820 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का प्रोसेसर, 64GB स्टोरेज, 4GB रैम, और अगर 64GB से ज्यादा स्टोरेज आपको लगता है तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं 2TB तक माइक्रो SD कार्ड से। तो ये एक बहुत ही अच्छा फोन है, प्लस इसमें आता है मोटो मॉड्स, तो आपका जो फोन है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक अच्छा सा कैमरा डाल सकते हैं या फिर आप एक प्रोजेक्टर बना सकते हैं आपके मोटो जी फोन को, तो बहुत ही अच्छा फोन है। जी हाँ, उसमें मार्शमेलो आता है जो अपग्रेडेबल है 7.1 पर, लेकिन अभी के लिए अगर आप खरीदेंगे तो उसमें एंड्रॉइड मार्शमेलो आएगा। ये बहुत ही अच्छा फोन है और वैल्यू फॉर मनी फोन है। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही बात नेगेटिव है, उसमें उसका जो बैटरी है वो 2600 mAh है लेकिन टर्बो पावर है, इसलिए वो 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है फुल फ्रॉम 0 to 100, तो उसका भी टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ बैटरी थोड़ी कम है। मेरे लिस्ट में आता है दूसरा फोन, उसका नाम है नूबिया Z11। जी हाँ, ये एक ही ऐसा फोन है जिसके ऊपर 820 प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का और 6GB रैम है, तो इसका प्रोसेसर और रैम बहुत ही अच्छा है और ये 20000 की रेंज में आता है ये फोन। और दोस्तों इसमें आती है 5.5 इंच फुल HD स्क्रीन, लेकिन इसमें भी एंड्रॉइड मार्शमेलो है, अभी तक अपडेट का हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छे रैम वाला फोन चाहिए जिसके ऊपर आपको बहुत सारा गेमिंग करना है, तो नूबिया Z11 20000 में एक अच्छा फोन है। अगर आपको एक अच्छा ब्रांड जिसका नाम बहुत है ऐसा चाहिए तो आप जाइए सैमसंग A9 Pro को। और दोस्तों ये सैमसंग A9 Pro जो है वो 19000 को आता है, 20000 भी नहीं, 1000 कम है, अभी अवेलेबल है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो जरूर देखिएगा। तो ये जो A9 Pro सैमसंग का है उसमें 652 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है, 4GB की रैम है, 6 इंच की स्क्रीन है सुपर एमोलेड, तो इसकी स्क्रीन सवाल ही नहीं, बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और जैसे आपको पता है सैमसंग के जो फोन होते हैं उसके कैमरे अच्छे हैं, 16MP रियर कैमरा है, 8MP फ्रंट कैमरा है, दोनों भी कैमरे बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी बहुत चले, क्योंकि इसकी 5000 mAh की बैटरी है जो आराम से 1.5-2 दिन तक चलेगी आपको, तो 5000 mAh की बैटरी है प्लस 4GB रैम है, लेकिन स्टोरेज 32GB है, थोड़ा कम है लेकिन आप एक्सपैंड कर सकते हैं, माइक्रो डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट है तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं इसके स्टोरेज को। दोस्तों अगर आपको ड्यूएल कैमरास चाहिए तो ये अगले दो फोन जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट कल ही जो लॉन्च हुआ है वावी का ऑनर 9i, इसमें 4 कैमरेज आते हैं यार, पहले एक हुआ करता था सिर्फ रेयर में, फिर आगे भी आ गया, फिर 2 कैमरे पीछे एक आगे, अब 2 आगे और 2 पीछे आ गया। ऑनर 9i जो फोन है उसमें फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ ड्यूएल कैमरास हैं।
ये फोन जो है Honor 9i, ये Flipkart एक्सक्लूसिव है, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, अभी तक अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों इसकी जो स्क्रीन है वो है 5.9 इंच, नियरली 6 इंच की स्क्रीन है और वो भी फुल HD है, प्लस 4 कैमरे। तो आपको स्क्रीन और कैमरा इंपॉर्टेंट है तो Honor 9i बहुत ही अच्छा फोन है। दूसरी बात, इसकी प्राइस 18,000 है, मतलब 20,000 से 2,000 रुपए कम, तो 18,000 में आपको बहुत ही अच्छा फोन मिल रहा है। प्लस इसमें नुगाट आउट ऑफ द बॉक्स आता है और अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो ये फोन भी आपने देखना चाहिए अगर 20,000 के रेंज में आप एक फोन देख रहे हैं तो। दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो है Kirin 659, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, लेकिन हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है तो अगर आपको स्टोरेज एक्सपैंड करना है तो आपको सिर्फ एक ही सिम यूज कर सकेंगे, दूसरा आपको SD कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। पांचवा और लास्ट फोन है हमारे लिस्ट में Nubia M2। जी हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा फोन है। इसमें Qualcomm Snapdragon का 625 प्रोसेसर आता है, 4GB रैम आती है, 64GB स्टोरेज है, बाकी सब कुछ अच्छा है इस फोन में। इसकी प्राइस है 18,000। तो ये जो फोन है ये आता है हमारे पांचवे नंबर पे। लेकिन ये जो पांच फोन है मैंने टॉप 5 कहा है, जिसको कैमरा अच्छा लगता है तो वो कैमरे के हिसाब से Honor 9i देखिए, अगर आपको प्रोसेसर वगैरह ज्यादा अच्छा चाहिए तो Z11 देखिए, जिसमें 6GB रैम और 64GB स्टोरेज है। इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट है एक स्मार्टफोन में, वो स्पेसिफिकेशंस वाले, वो हाई स्पेसिफिकेशंस वाले फोन आप देखिए। तो ऐसा अगली टाइम मत पूछिए कि यार 20,000 में कौन सा अच्छा फोन है, यार आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बोलो और फिर उस हिसाब से मैं बोलूंगा आपको कि कौन सा आपको सूट करेगा। दोस्तों इस 20,000 रुपए के रेंज में, 18 से 20,000 के रेंज में दो नए फोन आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, एक तो Nokia 7 और दूसरा है Moto M2। तो अगर आपको रुकना है तो आप इन फोन्स के लिए भी रुक सकते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो प्रोमिस सम ग्रेट स्पेसिफिकेशंस, अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाले फोन होने वाले हैं और अच्छे ब्रांड्स भी हैं, तो उनके लिए भी आप रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पांच फोन्स 20,000 के रेंज में। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत हैं हमारी इस लिस्ट के साथ, या फिर आपको लगता है कोई दूसरा स्मार्टफोन इसके अंदर होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा फोन है जो इस लिस्ट में आना चाहिए था। दोस्तों अगले वक्त तक के लिए